हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारी जो वीडियोस चल रही हैं पेडागोजी की स्टार्टिंग से, अभी हम सारी पेडागोजी पहले कंप्लीट करके देन अगर कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे तो हम साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो अभी पेडागोजी की आज की क्लास में, इससे पहले वाली वीडियोस में आप चेक कर सकते हो जिसके अंदर मैंने सारे जो थ्योरीज थी वो डिस्कस करी थी। आज एक मेन पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी का, जो है चाइल्ड सेंटर और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। इससे आपने अपने एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस देखे होंगे, सीटेट में भी आपने बहुत क्वेश्चंस देखे होंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एक अलग चीज़ है और प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो इनके बारे में बात करते ही होता क्या है, कैसे यूजफुल है। देखिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो हमारी शिक्षा में लेकर आए, एजुकेशन में लेकर आए कि चाइल्ड सेंटर शिक्षा होनी चाहिए, जिन्होंने इसका बहुत ज़्यादा समर्थन किया वो थे हमारे जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी ने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर के समर्थक कौन थे, तो जॉन डीवी थे, ठीक है। अब चाइल्ड सेंटर शिक्षा यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है, इसके अंदर प्रॉपर ये ध्यान दिया जाता है कि जो भी एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड कराई जाए वो बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब बच्चे के अकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे की स्पीड के अकॉर्डिंग, बच्चे के और बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, बाल केंद्रित शिक्षिता के एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आपको शिक्षा देनी है। ऐसी चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है कि एक साल या छः साल का बच्चा है तो आप उसको 15 साल के बच्चे की चीज़ें सिखाओ, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जिसका बच्चे में इंटरेस्ट है, बहुत छोटे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव लर्नर होते हैं, तो वो हमेशा खेल खेल में और इस तरह की सीखते हैं, तो चाइल्ड सेंटर में हमको विधियां यानी कि जो लर्नर्स के मेथड्स हैं वो भी ध्यान में रखने हैं, मेथड्स, ठीक है। तो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्पीड, बच्चे की स्पीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं पढ़ाना है, बहुत स्लो भी नहीं पढ़ाना है, एक नॉर्मल स्पीड रखनी है और टाइम ड्यूरेशन आपको चेक करते रहना है कि कितने टाइम की टीचिंग बच्चे को देनी है, फिर आपको फ्री टाइम बच्चे को देना है, या फिर आपको टीचिंग देनी है, फिर बच्चे को फ्री टाइम देना है। 10 मिनट पढ़ा दिया, 15 मिनट पढ़ा दिया, इससे ज़्यादा अगर आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसको खुद समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसके लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जितना उसका एज लेवल है, मेंटल लेवल है, एबिलिटीज़ है उसकी, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। वैसे ही आपको वहाँ पे टीचिंग मेथड्स यूज़ करने हैं, वैसे ही आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन यूज़ करनी है, वैसे ही आपको क्रिएटिविटीज़ और जो बाकी चीज़ें हैं, प्लेवे मेथड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको उसके अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है। तो बेसिकली जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसमें जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है या मेन सेंट्रल पॉइंट है वो हमारा स्टूडेंट होता है, लर्नर होता है, टीचर नहीं होता है कि टीचर का जो मन है वो पढ़ाएगा, जैसे मन है वो पढ़ाएगा, जितनी स्पीड से पढ़ाना है वो पढ़ाएगा, नहीं। जैसे अभी की एजुकेशन है, बड़े बच्चों के साथ ऑलवेज टीचर सेंटर एजुकेशन होती है, क्योंकि वहाँ पर टीचर के अकॉर्डिंग चीज़ पढ़ाई जाती है कि आज ये वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे और बैठ जाओ लेक्चर मेथड से पढ़ेंगे। टीचर बोलती रहती है बच्चे को समझ आए ना आए उसका हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चों की एबिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें उस टाइम पे इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम ये सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रखते। हमें लगता है कि बच्चे को ये सारी चीज़ें पढ़नी है तो वो बच्चा समझता रहेगा, लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ पे क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अगर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीखेंगे, आप क्लासरूम में जाके बच्चों से पूछेंगे आज ABCD पढ़े या क ख ग पढ़े या क्या पढ़े, अगर बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं कि नहीं मैम आज हम कोई एक्टिविटी करते हैं या ABCD पढ़ते हैं, तो बच्चे उसको जल्दी सीखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आज होनी चाहिए, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट।
उसके बाद आता है सेकंड हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा। आप पहले ये समझ लेते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है। प्रगतिशील शिक्षा वो होती है प्रगतिशील शिक्षा वो होती है जिसके अंदर बच्चे के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और लेवल के अकॉर्डिंग जब हम टीच करते हैं तो उससे बच्चे का क्या है, मानसिक स्तर यानी कि मेंटल एबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। बच्चा इतना इंटरेस्ट लेता है सीखते टाइम कि उसको सीखने में मज़ा आने लगता है और उसकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होने लगती है। अगर आप बच्चे को कोई चीज़ ऐसी पढ़ाएंगे जिससे बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या फिर उसको समझ नहीं आ रहा है तो वो उसकी मेंटल एबिलिटी में इंक्रीज होगी ही नहीं, वो सिर्फ सुनेगा एक कान से और दूसरे से बाहर निकाल देगा। तो एक चीज तो चाइल्ड सेंटर और प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है इट्स वेरी सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हमें चाइल्ड सेंटर्स में ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वैसे ही ये सारी चीज़ें हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील जो बच्चे की प्रगति में यानी कि प्रोग्रेस में उसके लिए यूजफुल हो यानी कि उसके मानसिक स्तर में यूजफुल हो वैसी टीचिंग हमें बच्चे को करानी चाहिए जो उसके इंटरेस्ट लेवल और एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे ज्यादा चाइल्ड सेंटर अगर आप बच्चे की एजुकेशन रखेंगे तो जब बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार पढ़ते हैं तो उनके लिए विषय वस्तु सरल हो जाती है। मतलब अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड बच्चे के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप जो भी कंटेंट उनको पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक आप उनको पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी तो बच्चे को वो ज़्यादा कठिन नहीं लगेगी क्योंकि बच्चे उसको अपने इंटरेस्ट के टूवर्ड सीखते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है इसमें बाल केंद्रित शिक्षा से विषय वस्तु और रुचिपूर्ण हो जाती है। रुचिपूर्ण आपको पता है अगर मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे कोई चीज़ सिखाई जा रही है तो मैं उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लूँगी ना। अगर इस टाइम मुझे नीड है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है या खेलना है तो और मैं वही चीज़ बच्चे को करवा दूँ तो वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेंगे, पार्ट करेंगे कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी सीखना है। वहाँ पे और ज़्यादा वो एक्टिव लर्नर रहेंगे, तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और इसमें बच्चों को प्रधान मानते हैं जिसकी वजह से शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है, राइट। शिक्षा की जो इम्पोर्टेंस है यानी कि एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है क्योंकि अगर हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर चाइल्ड को ही सेंटर मान के पढ़ाएंगे एजुकेशन के अंदर तो हमारी एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम एजुकेशन दे किसके लिए दे, बच्चों के लिए दे रहे हैं ना। सारी चीज़ें ये जो स्कूल खड़ा किया है, ये सारी टीचिंग एड्स यूज़ की जा रही हैं, बाकी चीज़ें लेक्चर्स हो रहे हैं, क्रिएटिविटीज़ हो रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं? वो बच्चों के लिए हो रहे हैं ना। और अगर बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगी या बच्चों से रिलेटेड वो चीज़ें हो जाएंगी तो वहाँ पर एजुकेशन की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद आता है कि बच्चों के व्यवहार और सामाजिक शिक्षा दी जाती है। बच्चों को चाइल्ड सेंटर के अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करना है क्योंकि बच्चे कई बार क्या होता है, छोटे जब बच्चे होते हैं तो वो ज़्यादातर इतने क्रिएटिव होते हैं कि वो ग्रुप एक्टिविटीज़, प्ले वे मेथड और खेल खेल में सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 2 ग्रुप बना दिए गए 5-5 बच्चों के, तो वो क्या है उसके थ्रू अपनी एजुकेशन जो है इस प्रकार से करते हैं कि वो उसमें सामाजिकता भी सीखते हैं, बिहेवियर भी सीखते हैं कि इस बच्चे को इस बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, उसको कैसे सपोर्ट करना है, उसकी हेल्प कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी एक तरह से सोशलिज्म में भी काम आती है क्योंकि आपको कल एजुकेशन के बाद इसी समाज का हिस्सा बनना है, आपको किसी को सपोर्ट करते हुए चलना है, आपको अपने समाज में एडजस्टमेंट करना है एजुकेशन के थ्रू। तो वही चीज़ की शुरुआत आपकी स्कूल से ही होती है, ठीक है।
स्कूल में आप पहले अपने फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट होना स्टार्ट करते हो, उनकी हेल्प करना स्टार्ट करते हो, किसी प्रॉब्लम में उनको सपोर्ट करना स्टार्ट करते हो, राइट? तभी तो आप अपने सोशलिज्म अपना इंक्रीज करते हो. तो इसीलिए बच्चे का सामाजिक और व्यवहारिक जो परिवर्तन होते हैं वो डेवलप करने में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हमारी हेल्प करती है. उसके बाद आता है बच्चों के अंदर सेल्फ रिप्रेजेंटेशन के मौके मिलते हैं, बच्चे को खुद की अभिव्यक्ति करने के मौके मिलते हैं. क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड में केवल ये नहीं है कि टीचर सामने खड़ी हो गई और आपको बोले जा रही है बस आपको सुनना है, नहीं. चाइल्ड सेंटर के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमें जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सके बच्चों से जानने की कोशिश करें. क्योंकि चाइल्ड सेंटर के अंदर बच्चे जब उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई चीज़ होती है तो बच्चे खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं. तो बच्चे क्या करते हैं, खुद अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि मैम मुझे भी ये चीज़ करनी है, मैम मुझे भी. तो बच्चे वहाँ पे खुद क्वेश्चनिंग करते हैं, खुद आंसर देते हैं, खुद कोई ना कोई एक्टिविटी करने के लिए एक्टिव रहते हैं. तो इसीलिए बच्चे को सेल्फ रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है. इससे क्या है, बच्चों में आत्मविश्वास यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है और एक पॉजिटिव मोटिवेशन डेवलप होता है. ये सारी चीज़ें चाइल्ड सेंटर के थ्रू हम बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं. अब इसके बाद आते हैं बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत. अब जो हम प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, प्रिंसिपल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, क्योंकि हर किसी शिक्षा के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होते ही हैं, सिद्धांत होते हैं जिसके वे पे हमें बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है. तो अगर हम यहाँ पे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को लेकर चल रहे हैं तो हमारे उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि क्यों हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को लागू करें या अप्लाई करें स्कूल्स में, क्योंकि उससे ये बेनिफिट्स हमारे होंगे, ठीक है? तो हम वो बेनिफिट्स देख लेते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट्स होंगे जिससे हमें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन रखनी चाहिए. इसमें फर्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, मैंने इसको शॉर्ट में CCE कर दिया. CCE का मतलब कुछ और भी होता है, वो करिकुलम जो सेंट्रल करिकुलम एजुकेशन का है, तो ये उसको मत समझिएगा. इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ठीक है? इसके प्रिंसिपल्स हैं. पहला प्रिंसिपल है हमारे सामने क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस. अगर कोई चीज़ बच्चों के अकॉर्डिंग सिखाई जा रही है, बच्चों के इंटरेस्ट लेवल एज और इन सब को ध्यान में रखते हुए सिखाई जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे वहाँ पे एक्टिव रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही है. तो बच्चे वहाँ पे जितना ज़्यादा होगा पॉजिटिव पार्ट करेंगे. तो इसीलिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्टिव यानी कि क्रियाशील बना सकते हैं. तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि इसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रियाशील बना सकते हैं, यानी कि क्रिएटिव बना सकते हैं. वो अपने विचार रख सकता है, वो क्वेश्चनिंग कर सकता है, वो अपने बात को कह सकता है, या फिर जिस अकॉर्डिंग वो सीख रहा है वहाँ पे इतना एक्टिव रहेगा कि किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी अचीव कर लेगा, ठीक है? उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत. सेकेंड पॉइंट आता है हमारा निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ फिक्स गोल. तो इसके अंदर क्या बात बोली गई है, इसके अंदर ये बात बोली गई है कि बच्चे जो हैं एक निश्चित यानी कि फिक्स गोल के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं. मतलब हम अगर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करा रहे हैं, बच्चे को भी पता है कि ये चीज़ मेरे लेवल के अकॉर्डिंग है, ये मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, मैं सीखने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो बच्चे को पता ही है कि मुझे लास्ट में जाके ये चीज़ जो मेरा गोल है वो अचीव हो जाएगा. तो इसीलिए इसमें फिक्स गोल का प्रिंसिपल रखा जाता है बच्चों
बच्चों के लिए कि हमें जो पहले से हमारे प्री प्लान प्रिंसिपल्स हैं या प्री प्लान ऑब्जेक्टिव गोल्स हैं वो बच्चों के लिए बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं और बच्चा उसे अचीव करने में कोई चूक नहीं करता है, क्योंकि बच्चे के अकॉर्डिंग ही उसको एजुकेशन दी जा रही है। तो इस कंडीशन में अगर फिर भी कोई चूक हो जाए तो सबसे बुरी बात, इससे ज़्यादा और कोई हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए ये इसका बेस्ट पॉइंट है कि निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत होता है, जो हमारे द्वारा फिक्स गोल किए गए हैं बच्चे उसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन अगर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन नहीं होती, टीचर सेंटर एजुकेशन होती है, तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे फिक्स गोल होते हैं हम उनको अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे कई बार बच्चे अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता, बच्चों को बोरियत लगने लगती है। लेकिन चाइल्ड सेंटर में ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं, क्योंकि बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर ये सारी चीज़ें सीखता है। अब थर्ड प्रिंसिपल है इसका, थर्ड प्रिंसिपल है रुचि का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि चाइल्ड सेंटर है तो इंटरेस्ट होगा बच्चे का, तभी वो सीखेगा, और तभी उसका मतलब क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। क्योंकि बच्चे का अगर रुचि डेवलप हो रही है किसी चीज़ में तो बच्चा उसको उतनी ही जल्दी अचीव करेगा, उतना ही बेस करेगा, और उसको इन अ फ्यूचर उसको रिकॉल करने में भी टाइम नहीं लगेगा और ना ही उसको उसके लिए कोई रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग अगर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन दी जा रही है तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और यूज़फुल होती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर जब पता है कि चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जानी है, तो बच्चे अगर 20 तरीके के हैं तो आपको 20 तरीके भी तो पता होने चाहिए कि ये वाला बच्चे की स्पीड इतनी है, ये वाला इस तरीके से सीखता है, ये वाला इस तरीके से सीखता है, ये स्लो लर्नर है, ये फास्ट लर्नर है, ये नॉर्मल है कि क्या है। हर कोई बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल होता है, ये चीज़ आपको भी पता है, एज ए टीचर मुझे भी पता है, सभी को पता है। तो हर किसी में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। ज़रूरी नहीं जो इंटरेस्ट मेरा है वो किसी और बच्चे का भी हो, जितनी स्पीड से मैं सीखती हूँ कोई और बच्चा भी उतनी स्पीड से सीखता हो। तो इसीलिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर ये मेन प्रिंसिपल रखा जाता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है, हम बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर ध्यान देकर उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ एक ग्रुप बना लिया जाता है, ऐसा भी नहीं होता है कि 20 बच्चे हैं तो 20ों की सबकी जो मतलब चॉइसेस हैं, सबके इंटरेस्ट हैं, वो सबके अलग अलग हैं। तो इसीलिए हम 20 दिन लगा दें एक टीचिंग कराने में या एक तरह की वो स्टडी कराने में, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आज मुझे ABCD पढ़ानी है तो क्या पता 2 बच्चों को पसंद आए बाकियों को ना पसंद आए। लेकिन इंटरेस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस से मतलब है कि जब आपको उनके लेवल और उनके मेंटल एबिलिटी का ज्ञान होगा कि वो कितनी स्पीड से और किस दिशा में सीख रहे हैं, तो वहाँ पे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोवाइड कराने में वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बिकॉज आप वहाँ पे क्या होगा, उतनी ही स्पीड को लेकर बच्चों के साथ एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टू कोरिलेटेड विद द लाइफ। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन ऐसी देनी चाहिए बच्चों के इंटरेस्ट और उसके अलग कि वो मीनिंगफुल हो, यूजलेस ना हो। बच्चा आज जिस चीज़ को सीख रहा है वो उसकी लाइफ के लिए यूजफुल हो, मतलब क्या वो वोकेशनली हो, उसकी पर्सनल लाइफ में यूज़फुल हो, कैसे भी हो वो अपनी शिक्षा को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सके। वो अपने समाज में अपनी शिक्षा के अकॉर्डिंग, अपनी शिक्षा सीखकर अपने समाज में क्या एडजस्टमेंट कर सके, अपना वोकेशनल चूज़ कर सके, अपना करियर सेट कर सके, अपनी लाइफ में आगे जो उसको अचीवमेंट्स मतलब उसको चाहिए, एक एम्बिशंस लाइफ चाहिए वो अचीव कर सके। ठीक है,
तो इसीलिए बच्चे को अपनी स्टडी का अपनी लाइफ के साथ कोरिलेट करना आना चाहिए कि कहाँ पे उसकी वो चीज़ें उसके लिए यूज़फुल है, या फिर जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हो मैथ्स के कॉन्सेप्ट साइंस के कॉन्सेप्ट उसको वो डेली लाइफ में अपने अप्लाई करके देख सकते हैं, डेली की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करके कि बाहर जाके साग सब्जी लेनी है या कुछ ख़रीदना है तो वहाँ पे उसको कैसे मैथ्स का यूज़ करना है, साइंस का अपने पर्यावरण में कैसे यूज़ करना है, जैसे आपको डीबायोड्रिक और नॉन बायोड्रिक वाली चीज़ों को अलग रखना है या रिसाइकल होने वाली नॉन रिसाइकल वाली चीज़ों को अलग रखना है कूड़ेदान में, दोनों का कलर डिफरेंट होना चाहिए, ग्रीन और रेड होना चाहिए, प्लास्टिक की चीज़ों को अलग, खाद्य वाली चीज़ों को अलग फेंकना है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चा अपनी डेली लाइफ में पढ़ने के बाद यूज़ करता है, जिससे हमारे एनवायरमेंट को और हमारी सोशलाइजेशन को लाइफ को बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि इसी से तो हम बच्चों को एजुकेशन इसीलिए तो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना डेली लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सके और एक अच्छा व्यक्ति या इंसान बन के निकल कर आए। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेरणा का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है ना, उसके साथ साथ क्योंकि चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चे खुद ही मोटिव रहते हैं, मतलब खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं अंदर से ही, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग भी है, तो उनकी खुद की इच्छा करती है कि हाँ मुझे सीखना है मुझे सीखना है मुझे सीखना है। लेकिन इसी के साथ साथ एज अ टीचर अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आप इसको अप्लाई कर रहे हैं कि आप भी टाइम टाइम पर बच्चे को मोटिवेट करते रहें, उसको कोई ना कोई ऐसे रिगार्ड्स या रिवॉर्ड्स देते रहें जिससे बच्चे मोटिवेटेड हो, जैसे कॉपीज में आप स्टार बना के दे सकते हैं, गुड वेरी गुड लिख सकते हैं, बच्चों के लिए क्लासरूम में क्लैपिंग करवा सकते हैं, कुछ टाइम के बाद उनको रिवॉर्ड के तौर पे टॉफीज दे सकते हैं अगर बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एज अ टीचर कि आप उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करें जिससे बच्चे एजुकेशन के लिए और अच्छे से करें। ठीक है, उसके बाद आता है आवृत्ति का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन। रेपिटेशंस में हमारा जो पॉइंट है रेपिटेशंस में जो हमारा पॉइंट है वो आपको पता है, अगर मैंने कोई चीज़ आज सीखी है और एज अ टीचर मैं उसको होमवर्क करने के लिए देती हूँ कि ठीक है आज बच्चे मैंने आपको प्लस माइनस सिखाया है मल्टीप्लाई सिखाया है तो आप ये 10 सम घर से सॉल्व करके लेकर आइएगा, तो बच्चे का क्या है वहाँ पे जब वो रिपीटेशन हो रही है उस चीज़ की, बार बार प्रैक्टिस हो रही है, तो वो बच्चे का जो ज्ञान होता है ना, जो नॉलेज होती है वो स्थाई यानी कि परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है, बच्चा उसको लाइफ टाइम कभी भूल नहीं पाता है। लेकिन अगर ऐसे हो जाए कि आपने बस किताबी भाषा दे दी, ब्लैक बोर्ड पे लिख लिया, बच्चों ने कॉपी कर लिया, बात खत्म, आपने कॉपी चेक कर दी, खत्म कहानी, तो बच्चे उसको एक सेकंड में भूल जाएंगे कि आज क्लास में पढ़ाया क्या था और उसका कॉन्सेप्ट क्या था और कैसे मैंने सॉल्व किया एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो इसीलिए रिपीटेशन का सिद्धांत भी होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन भी होना चाहिए कि टाइम टू टाइम आप उसको रिवीजन करवाते रहें, उससे क्वेश्चंस पूछते रहें, ये नहीं कि आज जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है तो आज ही मैं उसको होमवर्क में करके दे दूं और उसको चेक कर दूं, बात खत्म हो गई, फिर महीने दो महीने तक पूछा ही नहीं, साल भर तक पूछा ही नहीं, तब तो बच्चे भूल जाएंगे ना, नए कॉन्सेप्ट भी तो सीखेंगे तो वो मिक्सअप में क्या है पुरानी चीज़ें भूलते जाएंगे, तो इसीलिए आपको बीच बीच में वो सारी चीज़ें पूछ लेनी चाहिए, उनके सरप्राइज टेस्ट ले लेने चाहिए, उनसे डिस्कस कर लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं ना कि आप ऑलवेज क्लासरूम में बस टीचिंग ही करवाते रहो, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है कि फ्री टाइम में कि चलो बच्चे आज पढ़ाई नहीं करते, आज पुराना कुछ रिवाइज करते हैं या कुछ डिस्कस करते हैं, खेल खेल में आप उनको बता सकते हो, चलो मुझे ये चीज़ बताओ 2 × 2 कितना हुआ, या आप दो बच्चे हो आपके साथ मैंने 4 बच्चे और इस डेस्क पे बिठा दिए तो आप टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, तो ऐसे करके आप क्या है उसको रिपीट करवा सकते हैं, जो खेल खेल में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। ठीक है, ये सारे हमारे जो प्रिंसिपल थे वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के प्रिंसिपल्स थे, जिसके हमने डिस्कस कर लिया है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर आपको एक वर्ड सुनाई और दिखाई दे रहा है कि प्रोग्रेस यानी कि प्रगति,
कोई भी ऐसी शिक्षा देनी जिससे बच्चे की प्रगति हो, यानी कि उसके लिए प्रगतिशील हो, उसके लिए ऊंचाइयों तक जाए, बढ़ती जाए। बच्चे के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और लेवल के अकॉर्डिंग तो होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से हो जिससे बच्चे के आगे अचीवमेंट मिले। मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना देती हूँ एक बार। प्रगतिशील शिक्षा एक प्रभावशाली शिक्षा है जब बच्चे को हम उसकी अभिवृत्तियों यानी कि एप्टीट्यूड, इच्छाओं यानी कि इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका स्तर यानी कि शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। जब उसके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के लेवल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाओगे तो उसका जो मानसिक स्तर है या एजुकेशन का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। आज उसने फर्स्ट क्लास की चीज़ें सीख ली हैं, कल वो सेकंड में जाएगा क्योंकि आज की तो उसने फर्स्ट क्लास की सारी तो चीज़ें सीख ही ली है ना, तो अब वो सेकंड क्लास की चीज़ें सीखने की एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो गया है। तो इसीलिए बच्चे का क्या है, जो एजुकेशन स्तर है वो बढ़ गया है। ऐसे फिर वो थर्ड में जाएगा, फोर्थ में, ऐसे ऐसे करते करते पता नहीं वो PhD तक कहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हर लेवल पर बच्चे का एजुकेशन स्तर, शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है उसके सीखने के साथ साथ, ठीक है। वो आपकी क्या होती है, प्रगतिशील शिक्षा होती है। उसके बाद प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी होती है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। अब जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें जो एजुकेशन है वो बच्चे के लिए है, बच्चा एजुकेशन के लिए नहीं है। इट मींस आपको एजुकेशन ऐसी प्रोवाइड करानी है जो बच्चे के अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि बच्चे को आप शिक्षा के अकॉर्डिंग बना दो कि 10th क्लास का सिलेबस है, इतना टफ है, ये है, तो आप बच्चे को उतना टॉर्चर या उतना प्रेशराइज कर दो कि आपको सीखना है। नहीं, आपको एजुकेशन इतना इजी वे में सिखाना है, ऐसे टेक्निक्स और मेथड्स और ऐसे डिस्कशन से सिखाना है ताकि वो बच्चे के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। अंततः बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर जो है बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड माना है तो बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा से बच्चे का चहुमुखी विकास होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। आपको पता है अगर प्रोग्रेसिव मतलब एजुकेशन आप बच्चे को प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें बच्चे के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आप चीज़ें रख रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चे के सभी चीज़ें डेवलप होंगी। बच्चे का सामाजिक विकास होगा, वो बाकी बच्चों से घुल मिलकर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीखेगा। बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट होगा, वो नैतिकता भी सीखता है, वैल्यूज सीखता है। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, जो भी जिस तरीके का उसको ज्ञान प्राप्त करना है वो चीज़ें सीखेगा। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होगा, मतलब अपने हाथों पैरों के समन्वय या कोरिलेशन को स्थापित करके वो कोई काम करेगा तो उसका मोटर डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। जब बच्चा अपनी रुचि और अभिवृत्तियों के अनुसार पढ़ता है तो बुद्धि का स्तर बढ़ जाता है जिससे वह एक अच्छा आदमी बनकर समाज के लिए एक साथ अपना समायोजन करता है। इस शिक्षा का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना है। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है हमारी, वो उसका जो मेन गोल है कि वो क्यों पढ़ानी है, मेन गोल इसीलिए है कि व्यक्ति और जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, यानी कि स्टूडेंट प्लस सोसाइटी, इन दोनों का डेवलपमेंट करना है कि आपको ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है कि बच्चा अपने समाज में समायोजन कर सके, उसी के साथ साथ एक ऐसी एजुकेशन जिससे समाज जो है हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सके, ठीक है। अब प्रगतिशील शिक्षा के महत्व क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन डिस्कस कर लेते हैं। अब बात कर ले रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इससे पहले कि जो हमने चाइल्ड सेंटर के बारे में अपना पूरा कर ही लिया था, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो अब प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है करके सीखना, बाय डूइंग मेथड, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। तो जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो इस पर बेस्ड है कि बच्चे खुद करके सीखे, मतलब खुद लर्निंग बाय डूइंग उनकी हो, खुद करके सीखने का सिद्धांत रखता है कि बच्चे को किसी भी रूप में टीचर के द्वारा किसी को कोई भी चीज़ फोर्सफुली ना सिखाई जाए या
बच्चों के साथ ज़बरदस्ती ना कीजिए, नहीं आपको सीखनी है, नहीं आपको ये चीज़ करनी है, नहीं। बच्चे खुद इतना इंटरेस्ट लेते हैं, खुद अपने इतना एक्टिव रहते हैं कि बच्चे खुद करके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीखते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है रचनात्मक विधि यानी कि कंस्ट्रक्टिव टेक्निक्स। बच्चे क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के थ्रू जब सीखते हैं तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनके लिए भी वो ऐसी टेक्निक्स लेकर आती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, जो या फिर बहुत रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होती है। बच्चे इसके प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत क्रिएटिव बनते हैं, क्योंकि जो बच्चे अपनी जितनी ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करेंगे, अपना इंटरेस्ट इंक्लूड करेंगे, अपना एप्टीट्यूड इंक्लूड करेंगे या अपना लेवल इंक्लूड करेंगे, तो वो क्या है, अपने ही द्वारा अपने विचार रखेगा, अपने थिंकिंग रखेगा, अपना सोचना रखेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको कौन सी चीज़ कैसे बनानी है, कैसे यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें क्या है, बच्चा अपनी टेक्निक्स के अकॉर्डिंग सीखता है। उसके बाद आता है सामूहिक कार्य पर बल देना। जो हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा बल देता है, क्योंकि बच्चे को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के साथ साथ उसका समायोजन भी करवाना है समाज में, अपनी सोसाइटी को भी डेवलप करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट प्लस सोसाइटी पर ज़्यादा फोकस हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन करती है, जिससे बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। तो इसीलिए ग्रुप एक्टिविटीज़ अगर हम बच्चे को कराएंगे तो ग्रुप एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग बच्चे बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में रहते हुए सीखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना, मोरल वैल्यूज़ आ गई उसमें, बच्चे के स्किल्स आ गए, उस बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ गया, बच्चे का फिजिकल ऑल ओवर डेवलपमेंट उसके अंदर बच्चे के साथ इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रटने को ख़त्म करना। देखिए फर्स्ट पॉइंट में बताया कि बच्चे को करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया जाता है, तो रटने को तो ख़त्म कर ही देंगे, यानी कि डिक्रीज टू रोट लर्निंग, यानी कि आपको रट कर नहीं सीखना है, वहाँ पर कुछ चीज़ों को समझते हुए, खुद करते हुए, खुद डिस्कस करते हुए, खुद अपनी क्रिएटिविटी डालते हुए ऐसे सीखना है। तो जो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, आपकी प्रगतिशील शिक्षा है, वो आपको प्रगति करने में हेल्प करती है, ताकि वो आपके फ्यूचर में भी आपके लिए यूजफुल हो। ये नहीं कि आपने सिर्फ रट्टाफिकेशन कर ली, एग्जाम में लिख दिया, मार्क्स आ गए, बात खत्म, फिर आप भूल जाओ या कुछ हो ना हो, आपको क्या मतलब, नहीं। तो जो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो इस पर बेस्ड है कि आपको लाइफ में उसको कैसे अपने लिए यूज़ करना है, आपको अपना वोकेशनल कैसे चूज़ करना है, आपको एक सोसाइटी में एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो इसीलिए वो रटने पर बल नहीं देती, वो इस पर बल देती है कि आपको आगे फ्यूचर में उसके लिए कैसे बेनिफिट से आप खुद करके कैसे उसको सीखते हैं। उसके बाद आता है स्वतंत्रता, यानी कि वो आपको जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो आपको एक टाइप की फ्रीडम प्रोवाइड कराती है कि आप अपने अकॉर्डिंग सीखें, आपको जितना टाइम चाहिए आप सीखें, आपको जितना इंटरेस्ट आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग सीखें, या आपको जितनी चीज़ें सीखनी है कि आज मुझे इस कॉन्सेप्ट की बस दो ही चीज़ें सीखनी है तो उतना ही मैं करूँगा, आगे सीखने का मन नहीं है, या सर दर्द हो रहा है, या मैं सीखने की स्थिति में नहीं हूँ, तो वहाँ पे आप रोक दीजिए। आपको कोई फोर्सफुली नहीं बोल रहा, जैसे टीचर सेंटर एजुकेशन में क्या होता है, टीचर को एक चैप्टर पूरा करवाना है तो मतलब करवाना है क्या, उसके अंदर 36 कॉन्सेप्ट्स आ जाए, सब कॉन्सेप्ट या दो ही आए, तो टीचर रुकती ही नहीं है कि मैं ये वाला पूरा चैप्टर करवाऊंगी। क्या है बच्चे, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि वो दो पॉइंट को सीखने के बाद थर्ड पॉइंट को सीखने के लिए रेडी ना हो, उनका माइंड फ्रेश ना हो, तो भी टीचर बोल 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 के पढ़ाई देगी, तो फिर बच्चे की समझ कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर बच्चा अपने अकॉर्डिंग कोई चीज़ सीखता है, जितना उसका मन है वो उतना ही सीखेगा, ताकि उसको वो फ्यूचर में अप्लाई कर सके। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ समस्या समाधान, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा एक एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर रहता है अगर वो कोई भी चीज़ सीख रहा है अपने अकॉर्डिंग, तो अगर वो बच्चा इस रूप में नहीं तैयार हो रहा है कि वो अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सके, अपनी समस्या को सुलझा सके, क्या है वो क्लासरूम हो या घर हो या फैमिली हो सोसाइटी हो, तो बेकार है, क्योंकि उसने जो एजुकेशन ली है वो इसलिए तो ली है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सके। हर समस्या का समाधान हम किसको बोलते हैं, हर समस्या का समाधान हमारी शिक्षा है। आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो लेकिन आप एजुकेटेड हो, आपको किसी चीज़ का ज्ञान है, तो आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट इसमें पॉइंट आता है विषय वस्तु पर बल, यानी कि फोकस ऑन कंटेंट।
प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर कंटेंट पे बल दिया जाता है, क्योंकि अगर आपके कंटेंट पे बल नहीं होगा, सिर्फ समेटिव और असेसमेंट और इन सब पर बल होगा कि आपको ग्रेडिंग सिस्टम या मार्क्स चाहिए और ये इस बाकी चीज़ों से आपका मतलब ही नहीं है, तो वो चीज़ों पर नहीं है। यहाँ पे कंटेंट पे फोकस किया जाता है कि एक टॉपिक लाइक आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितना समझ आया, आपने उससे अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करी या नहीं करी। अगर आप किसी को कोई वस्तु खरीदते हैं 10 रुपये में और उसको 20 रुपये में बेच देते हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और आपको पता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो इसीलिए वहाँ पे कंटेंट पे ध्यान दिया जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, कि जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं उसकी आप में कितनी समझ उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो के अंदर आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है विद एग्जांपल्स और एनीथिंग, कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होती है और प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन में इतना फ़र्क है कि उसको प्रगतिशील यानी कि आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाता है, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए रखी जाती है, और चाइल्ड सेंटर में आपके जो इंटरेस्ट वगैरह रखा जाता है वो आपके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन आपकी जॉन डिवीजी ने दी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।